आज हम बना रहे हैं नवरात्रि स्पेशल साबूदाने का चिवड़ा, बहुत ही कुरकुरा और बहुत ही टेस्टी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा पंचाल रसोई। साबूदाने का चिवड़ा बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने एक बॉल बड़ा वाला साबूदाना लिया है और 3/4 बॉल जितना मैंने ऑयल लिया है और 1/2 बॉल मैंने किशमिश ली है और 1 बॉल मैंने कच्ची वाली मूंगफली ली है। आप चाहें तो यहाँ काजू भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे कढ़ाई में और जैसे तेल हमारा बहुत बढ़िया से गरम हो जाए, हम इसमें ऐड करेंगे सिंगदाना। अभी सिंगदानों को हमें डीप फ्राई करना है और बीच बीच में हल्का हल्का चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम रखेंगे हम। अभी आप देख सकते हैं दानों का कलर चेंज होने लगा है और ये क्रंची हो गए हैं। अभी फटाफट से हम इसे एक प्लेट में ले लेंगे। ये देखिए सिंगदाने हमारे फ्राई हो गए हैं और अभी इसी तेल में हम साबूदानों को भी फ्राई कर लेंगे और मीडियम फ्लेम ही मैंने रखी है। अभी बीच बीच में चलाते रहेंगे इस तरह से। और इन साबूदानों को फ्रेंड्स फ्राई करने में ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए। अगर आप 1/2 बॉल ऑयल लेंगे तब भी ये साबूदाने आपके फ्राई हो जाएंगे। लगातार चलाते रहेंगे। और लाइट गोल्डन होने तक हमें इन साबूदानों को फ्राई करना है, मतलब थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए साबूदानों का, क्योंकि अंदर से कई बार साबूदाने कच्चे रह जाते हैं तो बहुत बड़ा से क्रंची होने चाहिए, अंदर से भी कड़क होने चाहिए। तो 3 से 4 मिनट लगेगा इसे फ्राई करने में। अभी देखिए ऑलमोस्ट साबूदाने हमारे फ्राई हो गए हैं, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तब हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते और किशमिश। अब गैस बंद कर लेंगे, इसे मिक्स करेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो साबूदाने भी हमारे फ्राई हो गए हैं और इसके बाद भी आप देख सकते हैं इतना ऑयल बच गया है। अभी ये जो सिंगदाने हैं वो इसमें हम ऐड कर लेंगे, इसे ठंडा करेंगे। और इसमें फ्रेंड्स आप चाहें तो पाउडर्ड शुगर आप ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड कर सकते हैं या सेंधा नमक आप इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं, आपको जो उचित लगता है आप कर सकते हैं। तो साबूदाने का बहुत ही कुरकुरा और बहुत ही टेस्टी चिवड़ा हमारा बन के तैयार है, बहुत ही क्रंची। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन चेक करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।